भारत के जाने माने प्रख्यात प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर आशुतोष सा आज हमारे साथ है। आज हम डॉक्टर आशुतोष सा से जानेंगे इम्प्लांट राइनोप्लास्टी के बारे में। हेलो सर। हेलो। सर, इम्प्लांट राइनोप्लास्टी क्या होती है? आप जानते हैं कि नाक की सर्जरी, जिसमें नाक की प्लास्टिक सर्जरी करके शेप चेंज किया जाता है, उसको राइनोप्लास्टी बोलते हैं। राइनोप्लास्टी में अगर कोई चीज़ आपकी डेफिशिएंट है, जैसे कि आपका नाक बहुत ही दबा हुआ है या आपकी टीथ बहुत दबी हुई है, तो उसको बढ़ाने की प्रक्रिया को ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी बोलते हैं। और ऑगमेंटेशन के लिए अपने टिश्यू का, माने ऑटोलॉगस टिश्यू का प्रयोग ना करते हुए, माने जैसे कान का कार्टिलेज है, रीड कार्टिलेज है या सेप्टल कार्टिलेज है, कार्टिलेज का प्रयोग ना करते हुए अगर हम रेडीमेड मटेरियल, जो जिसको इम्प्लांट बोलते हैं, उसका प्रयोग करके अगर आपकी राइनोप्लास्टी करते हैं, तो वैसी राइनोप्लास्टी को इम्प्लांट राइनोप्लास्टी बोलते हैं। कौन से लोगों को इम्प्लांट की जरूरत पड़ती है? इम्प्लांट की जरूरत ऐसे लोगों को पड़ती है जिसकी नाक बहुत ही दबी हुई हो या जिसकी टीप बहुत ही दबी हुई हो, और वो छोटे से ऑपरेशन से, माने वो नॉर्मल राइनोप्लास्टी से भी हो सकता है, लेकिन अगर वो छोटे से ऑपरेशन से, मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर से अपने नाक का शेप अच्छा करना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोग जो राइनोप्लास्टी तो करना चाहते हैं लेकिन जो कहीं और से कार्टिलेज देना नहीं चाहते, जैसे कि कान से या रिब से कार्टिलेज देना नहीं चाहते हैं और उनके नाक में कार्टिलेज नहीं है या वीक कार्टिलेज है, तो वैसे लोगों के लिए इम्प्लांट का प्रयोग करके टीप एलिवेशन या डॉर्सम करेक्शन हम कर सकते हैं। तो जो लोग एक्स्ट्रा स्कार नहीं चाहते और जिनमें मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर करना है, उनके लिए इम्प्लांट राइनोप्लास्टी अच्छी चीज़ है। इम्प्लांट राइनोप्लास्टी कौन सी एज में कर सकते हैं? इम्प्लांट राइनोप्लास्टी 18 इयर्स के बाद आप कभी भी करवा सकते हैं। इम्प्लांट कौन-कौन से शेप के होते हैं? ज्यादातर नेजल इम्प्लांट जो होते हैं वो आपके डॉर्सम के लिए, माने ये पार्ट को करेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि ये पार्ट काफी दबा हुआ है या टेढ़ा मेढ़ा है या आपकी टीप दबी हो, तो उसके लिए यूज होते हैं। अगर आपकी टीप अच्छी है और आपके खाली डॉर्सम में ये लाइन में प्रॉब्लम है, तो आपको स्कैफोइड शेप का, माने एक सीधा सा इम्प्लांट आता है, वो यूज होता है। अगर आपके डॉर्सम के साथ में आपका टीप का सपोर्ट भी नहीं है, आप देख रहे हैं कि ये टीप अपने होंठ को छूती नहीं है क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज का सपोर्ट होता है, तो ऐसा सपोर्ट काफी बार सेप्टोप्लास्टी के बाद निकल जाता है, तो ये नाक की टीप होंठ को छूने लगती है, तो वैसे केस में यहाँ पे भी सपोर्ट चाहिए, तो ऐसे दो सपोर्ट लगाने पड़ते हैं, तो उसके लिए एल शेप का इम्प्लांट आता है। तो दो तरीके से इम्प्लांट होते हैं, एक स्कैफोइड माने सीधा जो नाक के यहाँ पे लगता है ऐसा, और दूसरा एल शेप जो ऐसे लगता है। राइनोप्लास्टी में इम्प्लांट कौन से मटेरियल के होते हैं? इम्प्लांट ज्यादातर जो अभी यूज होते हैं वो सिलिकॉन मटेरियल के होते हैं, जो बिल्कुल भी इरिटेंट नहीं है। आप जानते हैं कि ब्रेस्ट में भी सिलिकॉन के इम्प्लांट डाले जाते हैं, इसके अलावा काफी सारी जगहों पे सिलिकॉन के इम्प्लांट डाले जाते हैं जो शरीर में रिएक्शन नहीं करते हैं, और इसके अलावा एक पोरस मटेरियल होता है, वो केमिकल मटेरियल का भी प्रयोग करते हैं जिसको लोग मेडपोर बोलते हैं। इम्प्लांट राइनोप्लास्टी कौन से एनेस्थीसिया में होता है? इम्प्लांट राइनोप्लास्टी ज्यादातर जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है, लेकिन अगर कोई पेशेंट मिनिमली इन्वेसिव चीज चाहता है तो लोकल एनेस्थीसिया में भी आप इम्प्लांट राइनोप्लास्टी कर सकते हैं। इम्प्लांट राइनोप्लास्टी की रिकवरी कितने टाइम में होती है? नॉर्मल राइनोप्लास्टी से कंपैरिजन में इम्प्लांट राइनोप्लास्टी मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है, तो उसमें 2 या 3 दिनों में आपको रिकवरी काफी अच्छी आ जाती है, आप प्रेजेंटेबल हो जाते हैं, क्योंकि कोई बड़ी चीरफाड़ या बड़ा कोई हड्डी को तोड़ना या कार्टिलेज को मॉडिफाई करना वैसा ये प्रोसीजर में नहीं होता है, आपको बहुत ही मिनिमम प्रोसीजर से आपका जो डोर्सम का शेप है बहुत ही अच्छा बन सकता है, तो इसकी रिकवरी नॉर्मल राइनोप्लास्टी के कंपैरिजन में काफी फास्ट है, 2 या 3 दिनों में आपका जो है वो रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है, हल्का सा सूजन आपको 7 से 10 दिनों तक दिख सकता है, और फाइनल रिजल्ट आने के लिए आपको 3 मंथ से 6 महीने का समय लगता है,
लेकिन रिकवरी आपकी फास्ट होती है। और इम्प्लांट राइनोप्लास्टी का भी एडवांटेज ये है कि वो भी रिजल्ट आपका लाइफ टाइम रहता है। जो रिजल्ट आपको इम्प्लांट राइनोप्लास्टी से मिला वो इम्प्लांट अंदर पिघलता नहीं है और इसलिए उसका रिजल्ट भी लाइफ टाइम आपको मिलता है। इम्प्लांट राइनोप्लास्टी के और टचअप सर्जरी के जरूरत पड़ती है। इम्प्लांट राइनोप्लास्टी में अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई और पार्ट भी हो जैसे कि एलआर रिडक्शन करना तो वो आप साथ में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इम्प्लांट डाला है और कोई सेप्टम वर्क करना है या अंदर का कोई काम करना है तो वो डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इम्प्लांट इन्फेक्टेड होने का चांस होता है। तो टिप का कोई वर्क करना या ऐसा कोई चीज है तो आप टचअप बाद में करा सकते हैं। इम्प्लांट राइनोप्लास्टी के कोई प्री ऑपरेटिव केयर क्या होती है? इम्प्लांट राइनोप्लास्टी की जो प्री ऑपरेटिव केयर है वो सिमिलर अपनी जो राइनोप्लास्टी की केयर है जिसके लिए हमारा अलग सा यूट्यूब पे वीडियो है जिसका लिंक हम नीचे कमेंट में शेयर करेंगे, वहां से आप ले सकते हैं। तो इम्प्लांट राइनोप्लास्टी का जो प्री ऑपरेटिव केयर है वो नॉर्मल राइनोप्लास्टी के केयर जैसा ही होता है। इसमें आप थोड़ा सा और केयर कर सकते हैं कि आपको सर्दी खांसी बिल्कुल ना हो, क्योंकि अगर आपको सर्दी या ऐसा कुछ है तो इम्प्लांट इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से आप डिस्कस कर सकते हैं। इम्प्लांट राइनोप्लास्टी की पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होती है? इम्प्लांट राइनोप्लास्टी मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, इसमें वो बड़ी राइनोप्लास्टी या ओरिजिनल राइनोप्लास्टी जितना सर्जरी नहीं होता है, इसलिए इसकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर बहुत ही सिंपल हो जाती है। आपके नाक के ऊपर स्प्लिंट या पट्टी से सपोर्ट दिया जाता है जो 2 या 3 दिनों में खोल दिया जाता है। आपके जो सूचर्स होते हैं, टांके जो होते हैं, वो भी आपको करीबन 7 से 10 दिनों में तोड़ दिए जाते हैं। और इसके बाद आपको मसाज सिखाया जाता है जिससे कि आपका इम्प्लांट अंदर अच्छे से सेटल हो जाए और आपकी स्किन के साथ में मैच हो जाए। तो इम्प्लांट राइनोप्लास्टी की पोस्ट ऑपरेटिव केयर बहुत ही सिंपल हो जाती है। इम्प्लांट राइनोप्लास्टी के कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? इम्प्लांट राइनोप्लास्टी के 2-3 कॉम्प्लिकेशन है जैसे कि अर्ली कॉम्प्लिकेशन एंड लेट कॉम्प्लिकेशन। नॉर्मल राइनोप्लास्टी के कंपैरिजन में यहाँ पे हम ऑटोलॉगस माने शरीर की खुद की टिश्यू यूज नहीं कर रहे हैं, बाहर की फॉरेन बॉडी यूज कर रहे हैं। तो अगर सर्जरी में इन्फेक्शन लगता है तो ये इम्प्लांट को निकालना पड़ सकता है। तो इन्फेक्शन के चांसेस नॉर्मल राइनोप्लास्टी के कंपैरिजन में हल्के से हाई हो सकते हैं। अगर आप अच्छे डॉक्टर के पास अच्छे ऑपरेशन थिएटर में चीज करवाते हैं तो इन्फेक्शन का डर नहीं रहता है। इसके अलावा इम्प्लांट डिस्प्लेस हो जाना या थोड़ा टेढ़ा बैठना या उसमें हल्की सी हिमेटोमा होने के चांस रह सकते हैं। अदरवाइज ये सर्जिकली अच्छे से कर किया जाए तो ये बहुत ही सेफ और अच्छा प्रोसीजर है। लेट कॉम्प्लिकेशन में इम्प्लांट जो है वो कंटिन्यूस आपके स्किन के ऊपर प्रेशर देता रहता है। जैसे कि आपने एल शेप इम्प्लांट लगाया तो यहाँ के एल का जो कॉर्नर है वो आपकी ये टिश्यू को हमेशा प्रेस करता रहता है। तो अगर इम्प्लांट काफी डीप नहीं है तो हो सकता है कि इम्प्लांट आपकी स्किन को एक्सकोरिएट करके वहां से इम्प्लांट एक्सपोज हो जाता है। तो वैसे केसेस में भी इम्प्लांट निकालना पड़ सकता है। इम्प्लांट राइनोप्लास्टी के स्कार कैसे बनते हैं? इम्प्लांट राइनोप्लास्टी ज्यादातर लोग यहाँ पे वर्टिकल स्कार से करते हैं और उसके भी स्कार करीबन 1.5 से 2 महीने के बाद बहुत ही फाइन हो जाते हैं और 3 से 6 महीने के बाद वो स्कार ढूंढने पड़े उतने अच्छे से हील हो जाते हैं। इसके अलावा वो स्कार जो है वो नाक के नीचे वाले पार्ट में रहने से ज्यादातर वो बिल्कुल भी दिखते नहीं है। इम्प्लांट राइनोप्लास्टी के फायदे क्या होते हैं? इम्प्लांट राइनोप्लास्टी के फायदे ये हैं कि आप मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी से आपका डॉर्सम और टिप करेक्शन कर सकते हैं। बिना बड़ी सर्जरी के अंदर गए आप लोकल एनेस्थीसिया में भी ये सर्जरी करवा सकते हैं। आपका रिकवरी पीरियड भी बहुत ही फास्ट होता है और आपको जो रिजल्ट मिलता है बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और वो लाइफ टाइम के लिए रिजल्ट मेंटेन रहता है। इसके अलावा ज्यादातर लोग ये सेप्टोप्लास्टी के बाद इम्प्लांट राइनोप्लास्टी करनी पड़ती है क्योंकि उसमें कार्टिलेज सपोर्ट चला जाता है।
तो दूसरी बार सर्जरी करने के लिए काफी सारे लोग रेडी नहीं होते हैं या डरते हैं, तो वैसे लोगों के लिए भी इम्प्लांट राइनोप्लास्टी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इम्प्लांट राइनोप्लास्टी के डिसएडवांटेज क्या होते हैं? इम्प्लांट राइनोप्लास्टी के दो या तीन मेन डिसएडवांटेज है। वो एक ये है कि अगर इन्फेक्शन होता है तो इम्प्लांट निकालना पड़ता है। इम्प्लांट राइनोप्लास्टी में इन्फेक्शन के रेट लेस देन 1% होते हैं, मैंने आप निग्लिजिबल चांसेस बोल सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मल राइनोप्लास्टी के कंपैरिजन में आप बोल सकते हैं कि इम्प्लांट राइनोप्लास्टी में इन्फेक्शन का आपको डर थोड़ा सा 7-10 दिनों के लिए बना रहता है। अगर 7-10 दिन बराबर निकल जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसके अलावा इम्प्लांट राइनोप्लास्टी जो है आपका डोर्सम और मिनिमल टिप करेक्शन ही कर सकते हैं। इसके अलावा कि कोई भी डेविएटेड पार्ट हो या आपका एलआर रिडक्शन हो या आपका और कोई पार्ट को मॉडिफाई करना है या आपका ऑस्टियोटॉमी करना हो तो वो मॉडिफाई नहीं कर सकता है। वो खाली आपके डोर्सम को उठाता है और टिप को सपोर्ट करता है, दो ही काम वो कर सकता है। तो हर एक तरह की राइनोप्लास्टी इम्प्लांट राइनोप्लास्टी से नहीं हो सकती है। आपके अंदर अगर रिडक्शन राइनोप्लास्टी करनी माने चीज को कम करना है तो भी इम्प्लांट राइनोप्लास्टी यूज नहीं की जा सकती है। और इम्प्लांट राइनोप्लास्टी में अगर आपका इम्प्लांट मोबाइल हो गया या टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो आपको वो निकाल के उसको भी रिवाइज करना पड़ सकता है। और लेट कॉम्प्लिकेशन में मैंने जैसे बताया कि इम्प्लांट एक्सपोज होने के चांसेस भी रहते हैं। तो ये मिनिमल डिसएडवांटेज के साथ में भी इम्प्लांट राइनोप्लास्टी काफी सारे पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा चॉइस है और हमने अभी तक काफी सारे इम्प्लांट किए हुए हैं जो पेशेंट्स लाइफ टाइम के लिए खुश रहते हैं और उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, क्योंकि ये बुक में लिखे गए हैं और काफी सारे डॉक्टर्स ने अनुभूत भी किए हुए हैं, इसलिए कॉम्प्लिकेशंस बताए जाते हैं। लेकिन सबको ये होना जरूरी नहीं है और कॉम्प्लिकेशन का रेट भी बहुत कम है। इम्प्लांट राइनोप्लास्टी के साथ और कौन कौन सी सर्जरी हो सकती है? नाक के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो इम्प्लांट राइनोप्लास्टी के साथ एलआर रिडक्शन माने आपकी नाक को ऐसा छोटा करना, वो एक प्रोसीजर सेफ आप बोल सकते हैं कि वो कर सकते हैं। इसके अलावा ज्यादातर इम्प्लांट के साथ में कोई सर्जरी मैच या मिक्स करना हम एडवाइजेबल नहीं करते हैं, क्योंकि इम्प्लांट एक्सपोज हो जाता है या इम्प्लांट को इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। इम्प्लांट राइनोप्लास्टी के लिए डॉक्टर आशुतोष या एलिगेंस क्लिनिक अगर सर्च करना चाहे तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? एलिगेंस क्लिनिक में हमने सक्सेसफुली बहुत सारे पेशेंट्स के इम्प्लांट राइनोप्लास्टी की हुई है। स्कैफोइड पार्ट और एल टाइप दोनों ही प्रकार के इम्प्लांट करके हमने काफी सारे पेशेंट्स के नोज में चेंज किया हुआ है और वो काफी लाइफ टाइम के लिए ये रिजल्ट रहता है। तो अगर आप हमारा कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो के एंड में आपको हमारे कांटेक्ट डिटेल्स दिए जाएंगे, उसके ऊपर सुबह 8 से लेकर शाम के 8 के बीच हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने आपका अमूल्य समय निकाल के ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।